चैनल। अगर आप नए हुए चैनल पे तो हाँ, मैं हूँ जीविका, वीडियोस बनाती हूँ मेकअप से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रेडिशनल तीज मेकअप लुक। एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा लुक टर्न हुआ है एंड मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि आपको कैसे ये वाला लुक अचीव कर सकते हो। और बिगनर्स हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए एंड तक बिना स्किप किए। एज यू कैन सी कितना फ्लॉलेस और ड्यूई लुक आ रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो गाइस मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी, तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। एंड या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पर डेली एक्टिव रहती हूँ मैं। कोई सा भी डाउट हो तो आप वहां पर पूछ सकते हो मुझे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मेकअप। मेकअप करने से पहले आपको स्किन केयर करना है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, स्किन केयर में सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश करना है। सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। तो फेस को वॉश कर लिया, टोनर अप्लाई कर लिया है, डैप डैप करके अपन टोनर को ऑब्जर्व कराएंगे अपनी स्किन के अंदर। देन सीरम की बारी आती है। सीरम से क्या होगा, विटामिन सी वाला सीरम मैं यूज़ करती हूँ। इस सीरम से क्या होता है, मेरे जो दाग धब्बे हैं वो कम हो रहे हैं और विटामिन सी फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ मैं, ये जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र है क्योंकि मेरी स्किन को जो मॉइस्चराइज़र सूट करता है वो जेल बेस ही सूट करता है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। तो अच्छे से मैं मसाज करूँगी डैप करके, मतलब मसाजिंग भी साथ में हो जाए ना तो बहुत ही बढ़िया काम रहेगा। अब लिप्स को मॉइस्चराइज करना है तो लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ वादी हर्बल का, कि एट द एंड में जब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँ ना तो माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे मेरे लिप्स। ऐसे ही स्किन केयर को 5 मिनट तक वेट करना है एंड देन मेकअप अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेकअप करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा ग्रीन में करने वाली हूँ, तो ऑफकोर्स फॉल आउट वगैरह होगा, इसलिए आई मेकअप पहले करेंगे। आई मेकअप के लिए मैंने आईब्रोज को फील कर लिया है कि मुझे समझ में आ जाए कि कहाँ पर आई शेडो को अच्छे से फैलाना है, ब्लेंड करना है, तो आईब्रोज फील कर लूँगी मैं। ये मेरा बहुत ही अच्छा वाला और बेस्ट वाला फेवरेट वाला आई शेडो पैलेट है, इससे मैं अपनी आईब्रोज को फील कर लूँगी। आईब्रोज को फील करने के लिए आपको धीरे धीरे फील करना है, डार्क नहीं फील करना है, जैसा आपको चाहिए, जैसा आपको आईब्रोज अच्छा लगता है वैसे आप फील कर सकते हो, या पेंसिल की हेल्प से भी आप फील कर लोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फील करने के बाद में कंसीलर की हेल्प से अपनी आईब्रोज को हम बहुत ही शार्प और क्लीन दिखाएंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि हम मेकअप में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो ये ट्रिक होता है, मतलब आप कंसीलर की हेल्प से अच्छे से शार्प कर दोगे ना आईज़ को, आईब्रोज़ को, तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखेगी और इससे लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो अपने मेकअप में और बहुत ही अच्छी वाली फिनिशिंग आ गई है आपके हाथों में। तो इस टाइप से आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं अप्लाई करती हूँ। जो ब्रश पे लेफ्ट कंसीलर था उससे मैंने थोड़े दाग वगैरह को कवर कर लिए थे कि एट द एंड में अच्छा थोड़ा हाइड हो जाए, कवरेज मिल जाए मुझे। अब जो कंसीलर मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई किया है उसे ब्लेंड कर लूँगी एंड ब्लेंड करने के बाद में मैं अप्लाई करने वाली हूँ पाउडर। पाउडर की हेल्प से अपनी आईलिड को अच्छे से प्रेप कर लूँगी। अब ये पिंक कलर लेकर मैं अपनी लिड के ऊपर जो क्रीज होता है ना वहाँ पर ब्लेंड करूँगी, ब्लेंडिंग करूँगी। लेना है थोड़ा थोड़ा, लेना ब्लेंड करना है, थोड़ा थोड़ा लेना ब्लेंड करना, इस टाइप से आपको ब्लेंडिंग करना है। और थोड़ा सा नीचे एग्जैक्ट जो क्रीज लाइन होती है ना उस पर थोड़ा सा मेहरून कलर लेकर मैं थोड़ा डिफाइन करूँगी, जिससे मेरी जो आईज है ना वो थोड़ी डेप्थ में दिखेगी, गहरी दिखेगी, व्हाट आई मीन। तो इस टाइप से मैं ब्लेंड करती जाऊँगी एंड देन कट क्रीज के लिए कंसीलर की हेल्प से फ्लैट ब्रश लूँगी और उससे धीरे 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 कंसीलर से कट क्रीज ड्रॉ करूँगी। अब ये जो कट क्रीज मैंने ड्रॉ किया है ना, आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छे से फिनिशिंग से इतना जल्दी कैसे हो गया, तो गाइस इसमें थोड़ा सा मुझे भी वक्त लगा था। और फिनिशिंग की मैं बात करूँ तो धीरे धीरे कट क्रीज बनाते बनाते फिनिशिंग आ जाती है, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो कट क्रीज आपकी प्रॉपरली बनेगी। कट क्रीज को मैंने सेट कर लिया है एक कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से एंड उसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाली हूँ ग्रीन आई शेडो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। बट वो इतना पिगमेंटेड, मतलब फिंगर की हेल्प से लगा रही थी ना तब गाइज वो अच्छे से अप्लाई हो रहा था, ब्रश की हेल्प से भी थोड़ा थोड़ा हो ही रहा था, तब मेरे को लगा यार नहीं थोड़ा सा कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है ग्लिटर, यस ग्लिटर अप्लाई कर लूँगी इस कलर के ऊपर। ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो पैलेट है और ये ग्रीन कलर जो मैं फोकस करवा रही हूँ ना वो वाला मैंने ग्लिटर लिया है और ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया है। या फिंगर की हेल्प से वो फिनिशिंग नहीं आती है, दैट्स वाई मैंने ब्रश लिया और उसकी हेल्प से मैं अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। जहाँ पे मेरी कट क्रीज ड्रॉ हुई ना उसे अच्छे से कट क्रीज की शेप में ला रही हूँ ग्लिटर को। धीरे धीरे करना है ये प्रोसेस, आई नो टाइम कंज्यूमिंग है तो, बट ब्यूटीफुल भी तो दिखना है तो ये सारे स्टेप्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे।
अब लाइनर अप्लाई कर लूँगी मैं। लाइनर मैंने NYV का लाइनर लिया है, छोटी सी टिप है, कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा ये यूज़ करती हूँ। एंड मैंने जो कंसीलर अप्लाई किया था दाग वगैरह पर, उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी, या बहुत अच्छे से वो ड्राई हो गया था कंसीलर उनके ऊपर, तो आप कवरेज देख सकते हो, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल कवरेज मिल चुकी है मुझे। अब बारी आती है फाउंडेशन की, तो गाइस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो गो एंड चेक इट आउट, चेक कर लो। परचेस करना हो तो डायरेक्टली लिंक से आप परचेस कर सकते हो। एंड जितने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है मैं नेक पर, अच्छे से डॉटिंग फॉर्म में ही आपको अप्लाई करना है फाउंडेशन, क्योंकि डॉटिंग फॉर्म में नहीं अप्लाई करोगे ना तो वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, उस पर कैकी पैचीनेस और फटाफटा बेस लगेगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको डैब डैब कर ही ब्लेंड करना है, डॉट डॉट कर ही अप्लाई करना है, लेयर्स में अप्लाई करना है, एक साथ ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। ओके, कंसीलर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, कंसीलर अपनी अंडर आई एरिया पर करूँगी, नोज पर, फॉरहेड पर, चिक्स पर ऐसे लाइन ड्रॉ करती हूँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप देखोगे ये वाली जो लाइन क्रिएट करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे चिक्स है ना थोड़े चबी चबी दिखने लगते हैं। अगर आपके चबी चिक्स नहीं हैं और आपको थोड़े से हेल्दी दिखाने अपने चिक्स को, तो आप ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी इसे कंसीलर ब्रश की हेल्प से। जितने भी मैंने फेस ब्रशेस, आई ब्रशेस यूज़ करे हैं, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, परचेस कर लेना। एंड डैब डैब कर कंसीलर को वहीं पर ही ब्लेंड करूँगी जहाँ पर रिक्वायर्ड है, पूरे फेस पर नहीं फैलाना, नहीं तो आप भूत लगोगे। इसलिए जहाँ पर अप्लाई किया है सिर्फ वहीं पर ही डैब डैब कर उसे सेटल कर लेना है। एंड देन सेट करने के बाद मैं लास्ट टाइम अपवर्ड देकर अपनी आईलीज पर जो कुछ क्रीजिंग वगैरह ना हो उसे हटाकर बेकिंग कर लूँगी, क्योंकि बेकिंग है ना बहुत फाइनल वाला स्टेप होता है। इससे क्या होगा, आपकी जो अंडर आई है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप दिखेगी, जो दिखना ही चाहिए, और फ्लॉलेस दिखेगी, केकीनेस, पैचेस, ग्रे पैचेस कुछ भी नहीं होंगे उस पर। एंड देन पूरे फेस को भी मैं लूज पाउडर की हेल्प से ही सेट कर लूँगी, उससे ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मतलब लूज पाउडर की हेल्प से सेट करना मुझे बहुत पसंद है पूरे फेस को। अब बारी आती है नोज़ को कॉन्टर करने की। नोज़ अगर आपकी पतली स्लिम दिखे ना तो आपके फेस में चार चांद लग जाते हैं, मतलब वो प्रॉपर लगता है क्या है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर है आपके फेस का। तो नोज़ को मैं वही कॉन्टर करने की कोशिश कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से कॉन्टर भी हो गई है। जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ आपके, ब्रशेज़ के जो कलेक्शन मैंने शेयर किया था उसमें इंक्लूड है ये वाला ब्रश। इसकी हेल्प से धीरे धीरे मैं अपने नोज़ को कॉन्टोर करने वाली हूँ, और एज यू कैन सी कितनी प्रिटी ब्यूटीफुल ऑसम वाली कॉन्टोरिंग हो चुकी है मेरी नोज़ की। ये ऑप्शनल है, आपको करना है तो ओके, अदरवाइज चलेगा, ऐसे भी चलेगा। एंड अपने कॉन्टोर कर लिया, फॉरहेड पर अप्लाई कर लिया है कॉन्टोर को, मतलब ये चीक्स पर और जो फॉरहेड पर है ना कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी, जिससे आपका फेस है ना वाइट चट्टा नहीं दिखेगा, गोरा चट्टा दिखता है ना वो नहीं दिखेगा, नेचुरल दिखेगा, नेचुरली दिखना चाहिए ग्लो। अब मैंने जो बेकिंग करी थी उसे डस्ट ऑफ कर लिया है, अगेन मैं थोड़ा बहुत टचअप कर रही हूँ, थोड़ा पाउडर वगैरह लग गया था इससे मेरी नोज़ कॉन्टोरिंग थोड़ी सी हल्की हो गई थी, तो मैं अगेन थोड़ा बहुत फेर लूँगी बस ऊपरी से। एंड दैट्स इट, एज यू कैन सी कितनी प्यारी लग रही मेरी नोज़। एंड काजल अप्लाई कर लूँगी एंड उसको स्मर्ज करने वाली हूँ डार्क ग्रीन कलर की हेल्प से। स्मर्जर ब्रश लिया है मैंने, पॉइंटेड पेंसिल ब्रश कह सकते हो आप, इसके हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन को भी स्मर्ज कर लिया है काजल अप्लाई करने के बाद, उसे ग्रीन कलर से अच्छे से स्मर्जिंग कर ली है। ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, ब्लश में थोड़ा पिंकिश टोन में जा रही हूँ, पिंकिश टोन में ब्लशेज अप्लाई करूँगी, यू नो एप्पल्स ऑफ द चीक्स पर साइड में अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी। उससे क्या होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा, आपके चीक्स थोड़े से प्लम्पी दिखेंगे। तो इस टाइप से चिन पर अप्लाई करूँगी, नोज़ पर, फॉरहेड पर भी मैं हमेशा ब्लश अप्लाई करती हूँ, क्योंकि आई लव ब्लश इस टाइप से अप्लाई करना, बहुत रोजी इफेक्ट आता है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो इस टाइप से अप्लाई कर लूँगी। एंड देन मैंने किया है रिवर्स कॉन्टोर। गाइज ये वाला ट्रिक तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, रिवर्स कॉन्टोर करने से ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं, पूरा फेस आए हाय मज़े का दिखता है। अब मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है यहाँ पर, हाइलाइटर आप देख सकते हो इस टाइप से अप्लाई करना है, चिक्स बोन पर, नोज़ पर, पॉइंट ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड के टेम्पल्स पर अप्लाई करना है, एंड चिक्स पर, क्यूपिड्स बो पर अप्लाई किया जाता है हाइलाइटर। और हाइलाइटर तो मस्ट है, हाइलाइटर कितना अप्लाई करना है, ज़्यादा कम वो आप देख सकते हो, आपके हिसाब से आप अप्लाई कर लेना, ज़्यादा भी नहीं दिखे। अगर बाय चांस अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैब डैब कर लेना तो सेटल हो जाएगा। तो इस टाइप से अब मैंने चिक्स के यहाँ पर जो
रिवर्स कॉन्टोर किया था उसे भी मैं डस्ट ऑफ करूंगी बट इनर कॉर्नर्स को एंड ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करने के बाद में। तो लिक्विड हाईलाइटर की हेल्प से मैंने इनर कॉर्नर्स को एंड ब्राउ बोन्स को अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। हाईलाइट जहाँ जहाँ पर करना चाहिए वहीं पर करोगे ना तो परफेक्ट दिखेगा आपका फेस। लिप बाम मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि यू नो लिप पर इतना सारा लिप बाम होता है और लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी दिखती है मैट दिखने की बजाय, इसलिए आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ, पेंसिल से अपने लिप को लाइन कर रही हूँ और इस टाइप से मैंने लिप को ना स्क्वीज करा है, अगर आपने देखा हो ध्यान से लाइक दिस, एंड देन लिप का शेप दिया है। इससे ना आपकी जो लिप पेंसिल होगी ना वो प्रॉपरली आपके लिप पर ड्रॉ होगी बिल्कुल फिनिशिंग से। अब मैंने अपर लिप पर मेहरून कलर की लिपस्टिक अप्लाई की है, लोअर लिप्स पर थोड़ी सी पिंक टोन में कि वो बैलेंस होके ना प्रॉपर रेडिश मेहरून दिखे। पता ना गाइस मेरा लिप का जो शेड है वो कैसा लग रहा था, लिपस्टिक मेरी कैसी लगी है। मैंने इसे बहुत ट्राई किया है कि प्रॉपरली दिखे। थोड़ा सा मुझे ना रेड मेहरून में चाहिए था, एग्जैक्ट मेहरून नहीं, थोड़ा रेड काइंड मेहरून, एंड देन टोनर की हेल्प से पूरे फेस को सेट कर लूँगी, पूरा मेकअप सेट हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, स्वेट प्रूफ रहेगा। तो सेटिंग स्प्रे से पूरे फेस को सेट करना मत भूलना। एंड दिस इज माय फाइनल लुक, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। देखना मत भूलना फॉर द मेकअप प्रोडक्ट्स। एंड कौन सी वीडियोस चाहिए आपको आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, तो मैं वो वाली वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी आपके लिए। या वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। एंड या ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक व्हाट यू हियर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई रिलीज अ न्यू वीडियो।